जिस प्रकार ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। विश्व शक्ति समझौते के अनुसार ईरान 300 किलोग्राम के ऊपर अपना यूरेनियम भंडार बढ़ा नहीं सकता था और उससे कम ही करना था, लेकिन उसने 300 किलोग्राम की सीमा तोड़ दी है और उससे ज़्यादा उसने यूरेनियम का प्रोडक्शन कर लिया है। दोस्तों, यूरेनियम का प्रोडक्शन करने का मतलब है वो जल्द ही न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा, जो यूएस और बाकी सभी कंट्री बिल्कुल नहीं चाहती। तो दोस्तों, हमें पूरी की पूरी गारंटी है कि यूएस भले ही 10 मिनट पहले अपना पहला एयर स्ट्राइक, एयर हमला करने से पीछे हट गया होगा, लेकिन इस बार और आने वाले दिनों में यूएस जरूर से जरूर ईरान पर हमला करेगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं दोनों की मिलिट्री पावर्स क्या है और दोनों के पास कितने कितने हथियार, गोला बारूद है। ए टू जेड कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। आइए, ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 407, 3318। अटैक हेलीकॉप्टर्स 100, 6417। मेन बैटल टैंक्स 2895, 8725। एयरक्राफ्ट्स कैरियर 0, 10। कॉर्वेट वारशिप 2, 2। सबमरीन्स 28, 2। पैरामिलिट्री पर्सनल 1.51 मिलियंस, 11,035। फ्रिगेट्स 5, 26। डिस्ट्रॉयर 0, 62। क्रूज 0, 22। आर्म फोर्स पर्सनल 5,13,000, 1.37 मिलियंस। वेपन होल्डिंग्स 5.9 मिलियन, 38.54 मिलियंस। मिलिट्री एज 20 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज। तो दोस्तों, ये कुछ था ईरान और यूएसए मिलिट्री आर्म फोर्सेस का कंपैरिजन। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए रहेगी तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए डिफेंस वीडियो में। गुड डे।